नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों जैसा कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल चुका है एसएससी सीजीएल 2018 मेंस का, सारे मिल गए हैं एक सिंगल कंपाइल्ड वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। तो ये वीडियो होने वाली है ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, इसमें आपको 11 तारीख के सभी ईडियम्स दिखेंगे 11 सितंबर को जो पूछे गए थे। हालांकि पूछे तो 10 गए थे, लेकिन पूछने की टैक्टिक ऐसी थी कि आपको 40 ईडियम इसी में मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप पेन कॉपी लेके बैठें, जिससे इंपॉर्टेंट ईडियम्स का आप नोट्स बना पाएँ, यानी एग्जाम से एक दो दिन पहले देख के जाएं, क्योंकि हम फर्जी चीज़ों में फंस जाते हैं। और जो एसएससी ने अभी रिसेंट में पूछा है, इसका मतलब एसएससी के नॉलेज में है, वो पूछ सकता है फिर से, तो उन्हीं में से रिपीट होना है, तो वो हम क्यों ना पढ़ के जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कहा गया लिसन यू नीड टू प्रायोरिटाइज यू कैन नॉट हैव योर, यानी कि सुनो, तुम्हें कुछ ना कुछ प्रायोरिटी किसी चीज़ को देनी होगी। यू कैन नॉट हैव योर, अब देखिए आप कहेंगे कि किसी चीज़ को आप अपना करियर बनाओ, हर चीज़ में ना कूदो, हर चीज़ में ना कूदो। अब हर चीज़ में ना कूदो किस ईडियम की मतलब होती है, फिंगर इन एवरी पाई, यानी कि हर चीज़ में आपका हाथ होना, यानी फिंगर इन एवरी पाई का मतलब होता है हर चीज़ में आप भाग ले रहे हो, तो उसको कहते हैं फिंगर इन एवरी पाई। तो आप यहाँ पे क्या फील करेंगे, एसएससी अब हो गई है स्मार्ट, तो आप डायरेक्ट ईडियम्स नहीं पूछती आपसे, अब ऐसे पूछती है कि आपको फिल करना रहता है, चार ईडियम्स दे देती है और आपको बताना होता है कौन सा फिल करा जाएगा। तो फिंगर इन एवरी पाई मतलब होता है हर काम में संलग्न होना। तो आप यहाँ पे भरेंगे कि लिसन यू नीड टू प्रायोरिटाइज यू कैन नॉट हैव फिंगर इन एवरी पाई, यानी आपका आप हर काम में संलग्न रहोगे तो किसी एक काम को ढंग से नहीं कर पाओगे। अब जान लेते हैं एकल सील्स मतलब क्या होता है। एकल सील्स मतलब होता है कमजोर पक्ष, आपका कोई कमजोर पक्ष है, जैसे किसी का मैथ्स होता है, किसी का जीएस होता है, किसी का रीजनिंग होता है, तो आप कहेंगे रीजनिंग इज माय एकल्स हील, ठीक है, या हम कह सकते हैं मैथ्स इज माय एकल्स हील्स, जो भी कहना है, जो कमजोर पक्ष है उसको एकल्स हील्स कहते हैं। हीबी जीबी पहली बार हो सकता है आप सुन रहे हो, लेकिन बड़ा पॉपुलर ईडियम है। हीबी जीबी मतलब होता है कि आपके अंदर जैसे एग्जाम अब आ रहा है तो आप हीबी जीबी हो रहे हो, यानी कि नर्वस हो रहे हो, नर्वस होना, एंग्जाइटी होना किसी चीज को लेके, इसको कहते हैं हीबी जीबी, यानी यू आर फीलिंग हीबी जीबी मतलब यू आर फीलिंग नर्वस या यू आर एक्साइटेड टू मच, ठीक है। तो हीबी जीबी मतलब होता है नर्वस या एंग्जाइटी। और पेंट द टाउन रेड मतलब होता है कि किसी चीज़ को पूरे, जैसे आपके घर पे शादी है, आप अपना घर पेंट करवाने के बजाय पूरे शहर को पेंट करवा दे रहे हैं, मतलब कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत उच्च स्तर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी वाइल्ड लेवल पे वो कर रहे हैं, कॉमन पब्लिक मतलब पब्लिक प्लेस को आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वाइल्ड स्टाइल में सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी वाइल्ड मैनर में अगर आप सेलिब्रेट करते हैं कोई चीज़ तो उसको कहेंगे पेंट द टाउन रेड। समझ में आ गया चारों, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम से जुड़ना ना भूले, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कहा गया कॉलेजेस कैन नॉट डॉट 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 टू रैगिंग बिकॉज ऑफ द एंटी रैगिंग एक्ट, यानी कि कॉलेजेस में अब रैग, देखिए कॉलेजेस अब रैगिंग को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि एंटी रैगिंग एक्ट आ गया है, यानी इग्नोर करना कोई ऐसा ईडियम फील करेंगे जो जिसका मतलब वो इग्नोर करना। तो टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब होता है कि आप जान तो रहे हैं कि कुछ हो रहा है लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं, यानी टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब होता है इग्नोर समथिंग, टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब होता है इग्नोर करना किसी चीज़ को। अच्छा, ऐड फ्यूल टू फायर, इसका मतलब होता है कि आग में घी डालना, यानी कोई बात बढ़ रही है और आप उसको और बढ़ा रहे हैं, एग्रीवेट कर रहे हैं, ठीक है, एजिटेट कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे ऐड फ्यूल टू फायर। अच्छा, लुक फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, लुक फॉरवर्ड मतलब होता है कि सीधे देखना, लुक फॉरवर्ड मतलब होता है सीधे देखना। और अगर बात करें कि लुक समवन इन द आई का मतलब क्या होता है, तो होता है कि किसी को आप ऐसे देख रहे हैं, लुक समवन इन द आई मतलब होता है कि किसी के आंखों में आंख डाल के और आप कोई बात अपनी दृढ़ता पूर्वक कह रहे हैं, यानी इनफॉर्मली कह रहे हैं अगर आप कोई चीज़, ठीक है, कोई चीज़ फॉर्मली कह रहे हैं अगर आप, तो उसको कहेंगे कि लुक समवन इन द आई, जैसे आप अपने पापा से कुछ बात कह रहे हैं और आप उनकी आंखों में आंखें डाल के अपने, जैसे आपको बताना है कि मैं एसएससी की तैयारी करूंगा, तो पापा को कैसे बताओगे, यू आर लुकिंग समवन, यानी यू आर लुकिंग योर फादर इन द आई, यानी आप अपने पापा से दृढ़ता पूर्वक फॉर्मली कह रहे हो, उसे कहना नहीं, कहने का वो ना करना, ठीक है, नहीं तो बहुत पिटोगे, क्योंकि मम्मी से हम कुछ भी कह सकते हैं पापा से नहीं। कहा गया ड्यूरिंग द स्टाफ मीटिंग देयर वॉज अ लॉट ऑफ रिकर्स सिंस मैनी डिड नॉट डॉट 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 विद द अथॉरिटीज, यानी कि स्टाफ मीटिंग के दौरान बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या हो रहा था, मतलब कह सकते हैं डिसऑर्डर था, क्यों, क्योंकि मैनी डिड नॉट
मतलब बहुत लोग अथॉरिटी से आंखों में आंखें नहीं मिला पाए, यानी कि ऐसा काम किया था लोगों ने, कर्मचारियों ने ऐसा काम किया था कि मीटिंग के दौरान, स्टाफ मीटिंग के दौरान लोग अथॉरिटी से आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाए। यानी CI2I यहाँ पे फिल करेंगे, और CI2I का मतलब क्या होता है कि किसी के आंखों में आंखें डाल के बात करना। अच्छा, पुट देयर बेस्ट फूड फॉरवर्ड मतलब क्या होता है कि आपका जो बेस्ट है, यानी कि आप जैसे आपसे कोई कहे कि आप गाना सुनाओ, तो आपको जो गाना बहुत अच्छे से याद हो, बहुत अच्छा आपने रियाज करा हो, वो गाना सुनाए, यानी यू आर पुटिंग योर बेस्ट फूड फॉरवर्ड, यानी कि आप अपना 100% जो सबसे ए ऑप्शन है, या ए ऑप्शन बोले तो, यानी आपका जिसमें आपको लगता है कि आप फेल ही नहीं हो सकते, वो चीज़ करना। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि आप मान लो किसी दुश्मन को मारना है, और आपके पास AK-47 है, और आपके पास रिवाल्वर है, तो आप AK-47 से मारने जाएं कि आपका टारगेट मिस ना हो, ठीक है, और एक बार में मर जाए। यानी कि यू आर पुटिंग योर बेस्ट फूड फॉरवर्ड, इसका मतलब हो जाएगा। पुट फूड डाउन एडियम है, जिसका मतलब होता है, पुट फूड डाउन मतलब क्या होता है, पुट फूड डाउन मतलब होता है किसी से कोई चीज़, इसका सेम मतलब होता है CI2I, मतलब किसी से, मतलब अगर आप दृढ़तापूर्वक कोई चीज़ कह रहे हैं, जो हमने पढ़ा सीन आई का जो मतलब होता है वही होता है इसका, पुट देयर फूड डाउन का, यानी कि किसी से आप अगर दृढ़तापूर्वक बतिया रहे हैं तो उसको कहेंगे पुट योर फूड डाउन। और अगर हम बात करें मूव अप इन द वर्ल्ड मतलब होता है कि आप किसी मामले में बड़ा सक्सेसफुल हो गए हैं, यानी किस मामले में, इकोनॉमिकली आपका जो वो बेस है वो स्ट्रांग हो गया, सोशली पॉलिटिकली, यानी आप हर तरह से स्ट्रांग हो गए हैं, तो उसको कहेंगे मूव अप इन द वर्ल्ड, यू आर मूविंग अप इन द वर्ल्ड, मतलब यू आर बिकमिंग सक्सेसफुल। समझ में आ गया? कहा गया, आई कुड मेक आउट दैट द कन्वर्जेशन वॉज लीडिंग टू अ फाइट, सो आई डॉट डॉट डॉट, यानी कि मुझे, मतलब मेक आउट मतलब होता है कि मुझे लगा, यानी कि मुझे समझ आ गया कि जो बहस हो रही थी उसमें अभी लड़ाई हो जाएगी, तो मैंने, अब आपको अगर ऐसा लग जाएगा तो आप क्या करोगे, वैसे दोस्त अगर ना हो तो आप यही करना चाहोगे कि लड़ाई ना हो, आप उसको बहस को हटा ही दोगे, यानी यू विल निप इन द बड दैट मैटर। निप इन द बड मतलब होता है किसी चीज़ को इनिशियल फेज में ही खत्म कर देना, किसी चीज़ को इनिशियल फेज में अगर आप खत्म कर रहे हैं तो उसको कहेंगे निप इन द बड। कट कॉर्नर मीन्स क्या होता है, कट कॉर्नर मतलब होता है कि किसी चीज़ का शॉर्टेस्ट रूट लेना, मान लो आपको ए से बी जाना है और आपको पता है ये रूट है, तो आप शॉर्टेस्ट ये वाली मेथड जाएँ, ठीक है, लॉन्गेस्ट अप्रोच ना जाके आप शॉर्टेस्ट अप्रोच फॉलो करें, तो उसको कहते हैं कट कॉर्नर। अच्छा, किल्ड टू बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन मतलब होता है कि एक हथियार से, एक पत्थर से दो निशाना, यानी एक काम करते करते दूसरा काम भी कर लेना, उसको कहते हैं किलिंग टू बर्ड विद अ सिंगल स्टोन, यानी कि किलिंग टू बर्ड विद अ सिंगल स्टोन मतलब होता है कि एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी कर लेना, ठीक है। और मेड अ सॉन्ग एंड अ डांस, मेड ए सॉन्ग एंड अ डांस मतलब होता है कि किसी चीज़ के, मतलब किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, यानी आपका अगर पेपर हुआ है, मान लो SSC CGL आप देते हो और आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाता है, तो आप रिजल्ट देखने के लिए यू आर मेकिंग अ सॉन्ग एंड यू आर डांसिंग एट दिस वन, यानी कि आप उसको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, यानी खुद गाना बना के उस पर नाचना, तो आप कब ऐसा करते हो जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, ठीक है। कहा गया, मेकिंग द फाइनल पेपर वॉज अ रियली डिफिकल्ट टास्क बट बाई द एंड ऑफ द वीक आई वॉज एबल टू, यानी कि जो फाइनल पेपर था उसको बनाना बहुत कठिन टास्क था, लेकिन जैसे जैसे, मतलब हफ्ते के अंत तक आई वॉज एबल टू रैप माई हेड अराउंड इट मतलब होता है कि मैं करने, कोई काम करने में अगर आप सफल हो जाते हैं तो उसको कहते हैं, यानी कि जो चीज़ बहुत डिफिकल्ट दिखे उसको करने में अगर आप सफल हो जाते हैं तो उसको कहेंगे रैप योर हेड अराउंड समथिंग। रैप योर हेड अराउंड समथिंग मतलब होता है कि आप कोई चीज़ जो डिफ़िकल्ट दिख रहा था उसको कर पाए, कर ले जाएं, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ जो लगे औरों को भी आपको भी, और उसको एट लास्ट आप कर ले जाएं, तो उसको कहेंगे रैपिंग योर हेड अराउंड दैट मैटर, ठीक है। क्राई माई आईज आउट, यानी इतना रोना कि आंखें बाहर आ जाएं, यानी कि बिटरली रोना, इतना ज़्यादा रोना, बिटरली मतलब होता है खूब चिल्ला के रोना, यानी बहुत ज़्यादा विलाप करने को क्या कहते हैं, क्राई माई आईज आउट, यानी बिटरली अगर आप रो रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, क्राई माई आईज आउट। और रन आउट ऑफ स्टीम मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में अगर आप ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहे हैं, यानी ग्रेजुअली अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं, कोई चीज़ ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, तो उसको कहेंगे
रनिंग आउट ऑफ स्टीम, यानी रनिंग आउट ऑफ स्टीम मतलब होता है जैसे इंडिया से गरीबी जो है वो खत्म हो रही है, यानी कि पावर्टी इज रनिंग आउट ऑफ स्टीम फ्रॉम इन इंडिया, पावर्टी इज रनिंग आउट ऑफ स्टीम इन इंडिया, तो हम कहेंगे यानी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, तो रनिंग आउट ऑफ स्टीम मतलब आपको पता चल गया। कहा गया सुमन रियली हैज डॉट 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 सी मूव टू अ न्यू हाउस जस्ट अ मंथ बैक बट ऑलरेडी हैज अ लवली गार्डन, यानी कि सुमन डॉट 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 मतलब सुमन के पास कुछ ऐसा है, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा भरा जाएगा, सी मूव्ड टू आर न्यू हाउस, यानी कि एक महीने अभी नए घर में आए हुए हुए और उसके घर में एक बढ़िया सा गार्डन हो गया, प्यारा सा गार्डन हो गया, यानी कि उसके पास कुछ गार्डनिंग से रिलेटेड अच्छा नॉलेज है, और गार्डनिंग से रिलेटेड अगर अच्छा नॉलेज है तो उसको कहते हैं ग्रीन फिंगर्स। ग्रीन फिंगर्स मतलब होता है कि किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एबिलिटी होना, यानी नेचुरल एबिलिटी होना, किसमें, गार्डनिंग में, नेचुरल एबिलिटी होना किसमें, गार्डनिंग में, तो उसको कहते हैं ग्रीन फिंगर्स। अच्छा, ये फुट इन द डोर, यानी कि आप कहीं जा रहे थे और गेट बंद हो रहा था लेकिन आपने दोनों दरवाजों के बीच में एक पैर अपना डाल दिया, एक पैर आपका ये है, तो आप कहेंगे कि यानी कि इनिशियल स्टेज आप पहुंच गए हैं, इनिशियल स्टेज पे आप पहुंच जाएं किसी चीज़ का। मान लो SSC CGL एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है जो कि जल्दी ख़त्म नहीं होती, साल भर का साइकिल होता है, तो इसमें अगर आप प्री क्वालिफाई कर लें तो आप कहेंगे आई हैव मेड अ फुट इन द डोर, यानी कि मैंने एक पैर अपना दरवाजे के अंदर डाल दिया, यानी कि थोड़ी सी जगह बना ली है, आगे अभी देखा जाएगा। तो यानी ये फुट इन द डोर मतलब होता है कि आप इनिशियल स्टेज को पार कर चुके हैं। ये बैड हेयर डे मतलब होता है कि जिस दिन आप जाएं कहीं बाहर जाना हो और आपका बाल बड़ा ख़राब सा दिखे, यानी आप ये हैं और आपका बाल ऐसे ऐसे होके पूरा ख़राब हुआ पड़ा है, तो आप कहेंगे कि इट इज़ माई ए बैड हेयर डे, यानी कि आपको लगे कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, बैड हेयर डे, ठीक है। अच्छा, ये हार्ट ऑफ गोल्ड मतलब होता है, ये हार्ट ऑफ गोल्ड मतलब होता है बहुत ज़्यादा काइंड होना, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा काइंड, यानी कि आप दयालु स्वभाव के अगर हैं तो कहे जाएंगे यू हैव ए हार्ट ऑफ गोल्ड, यानी कि आप बहुत ज़्यादा काइंड है, समझ आ रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हालांकि ये प्रश्न मैं पहले किसी सेट में करवा चुका हूँ लेकिन यहाँ पे फिर करवा रहा हूँ। कहा कि पल्लवी वर्क रियली हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड डॉट 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 टू गेन सक्सेस, यानी पल्लवी ने बहुत वास्तव में बहुत अच्छी मेहनत करी, किसके लिए, एग्ज़ाम के लिए, एंड डॉट 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 टू गेन सक्सेस, यानी कि उसने कोई विकल्प नहीं छोड़ा, यानी सारे जो पक्ष थे उसके उसने सब पे हाथ पैर आजमा लिया, यानी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न यहाँ पे भरा जाएगा। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न मतलब होता है कि कोई, जैसे ये पत्थर है और आपका कोई चीज़ गुम हो गया और आप कह रहे हैं मान लो की किसी बाइक की की गुम हो गई, तो आप हर चीज़ हटा दे रहे हैं घर का, यानी यू आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न, यानी कि आप यथासंभव प्रयास करने को कहते हैं लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, यानी लीव यहाँ पे लेफ्ट तो चलो यहाँ पे भरा जाएगा, वैसे ओरिजिनल idiom है लीव नो स्टोन अनटर्न, जिसका मतलब होता है कि यथासंभव पूरा प्रयास करना, जितना संभव हो पाया उतना पूरा प्रयास कर जाना, उसको कहते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश मतलब होता है कि आप डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आ रहे, आप बातों को घुमा रहे हैं, यानी कि आपको बताना है ये चीज़, जैसे आप पापा पूछते कहाँ गए थे, अब आपके पास बहाना बनाने को कहते हैं बीटिंग अबाउट द बुश, आपके पास बात नहीं है एग्जैक्ट, आप बताना नहीं चाह रहे, आप घुमा रहे हैं बातों को, तो उसको कहेंगे बीटिंग अबाउट द बुश। हिट द बुल्स आई, हिट द बुल्स आई मतलब होता है कि आप ये समझ लो सांड है और इसकी आँख पर आपने वार कर दिया, इसका मतलब आपने निशाना जहां लगाया था एकदम सेंटर पे उसके मार दिया, देखिए बैल का मुंह इतना बड़ा हो गया और आपने एकदम सेंटर पे आंख पे मारना चाहो आंख पे मार दिया, इसका मतलब होता है कि आप अपने टारगेट को, ये टारगेट जो होता है उसके एकदम सेंटर पे अगर आप मार दें कोई चीज तो कहते हैं यू आर हिटिंग द बुल्स आई या यू हैव हिटन द बुल्स आई, ठीक है। और इस्टा का सावर नोट मतलब होता है कि आप कोई मतलब अनप्लीजेंट सी चीज या अनफॉर्चुनेट सी चीज आपको बताने को कह दिया जाए, अनफॉर्चुनेट सी चीज़ आपको बताने को कह दिया जाए, जैसे कि होता नहीं मृत जो शोक संदेश जो होता है आता है जब कोई मर वर जाता है तो उसको बताना होता है, या किसी का एक्सीडेंट हो जाए आप मतलब फ़ोन करना पड़े किसी को, तो इस तरह की चीज़ें जो होती है अनफॉर्चुनेट या अनप्लीजेंट टाइप की चीज़ें उसको बताने को क्या कहते हैं, इस्टा का सावर नोट, सावर मतलब खट्टा, यानी मतलब मन खट्टा कर देना, यानी कि ऐसे समझिएगा मन खट्टा कर देना, मन खट्टा कब होता है जब कोई अनप्लीजेंट चीज़ होती है, यानी इस्टा का सावर नोट भी आप समझ गए, तो यहाँ पे भरा क्या जाएगा लेफ्ट नो स्टोन अन। ये मैंने कल करवाया था तो इसमें मैं आपको बताऊंगा नहीं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें भरा क्या जाएगा, और मैं सारी idioms का मतलब बता दे रहा हूँ। मिस्ड द बोट मतलब होता है कि मौका गंवा देना, मिस्ड द बोट मतलब होता है मौका गंवा देना, किसी काम को लेके आप जो मौका बन रहा था वो आपने गंवा दिया। हिट द बुल्स आई अभी हमने पिछले उसमें किया। गॉट कोल्ड फीट मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा डर जाएं किसी चीज़ को लेके,
ठीक है। गॉट कोल्ड फीट मतलब होता है आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डर जाएं। मेड अ सीन मतलब होता है बातें बना देना, बातें बना देना यानी कि कोई बहुत छोटी सी बात थी और आपने उसको मोलहिल बना दिया, यानी कि उस पर बवाल खड़ा कर दिया, भसड़ मचा दी, उसको कहेंगे मेड अ सीन। मेड अ सीन मतलब होता है बातें बढ़ा देना। गॉट कोल्ड फीट मतलब होता है नर्वस हो जाना या किसी चीज़ में हार मान लेना, ठीक है। हिट द बुल्स आई मतलब होता है टारगेट के सेंटर पे वो हिट कर देना। और मिस द बोट मतलब होता है मौका गंवाना। समझ में आ गया। कहा गया इन माई पेरेंट्स टाइम बी मोस्टली एट एट होम एंड द फैमिली आउटिंग्स हैपेंड डॉट डॉट डॉट, यानी कि अपने मतलब पिताजी के मतलब मम्मी पापा के साथ हम बहुत ज़्यादा घर पे खाते थे। एंड फैमिली आउटिंग्स हैपेंड यानी कि जो बाहर खाने का काम होता था बहुत रेयरली होता था, यही तो बोलेंगे। यानी कि वंस इन अ ब्लू मून, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून होता है रेयरली कोई काम करें, अगर आप रेयरली अगर आपसे कोई काम होता है तो उसको कहेंगे वंस इन अ ब्लू मून। बिहाइंड द बैक मीन्स क्या होता है, बिहाइंड द बैक मीन्स होता है कि अगर कोई अनुपस्थित है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, यानी उसके पीठ पीछे जो बात करने को कहते हैं। बिहाइंड द बैक मतलब होता है पीठ पीछे, यानी कोई चला गया उसके बारे में बुराई हो रही है या कुछ भी अच्छाई हो रही है, उसको कहेंगे यू आर टॉकिंग बिहाइंड द बैक। यू आर टॉकिंग बिहाइंड द बैक मतलब आप पीठ पीछे बुराई बात कर रहे हो, पीठ पीछे बात करने को कहते हैं बिहाइंड द बैक। और इन फाइन फीदर, यहाँ पे फाइन फीदर कर लीजिएगा, देखिए इन फाइन फीदर मतलब होता है कि आप बहुत अच्छी अट्रैक्टिव क्लॉथिंग पहन रखी है, यानी कि आपके कपड़े बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल आप लग रहे हैं, बहुत डैसिंग टाइप के दिख रहे हैं, तो कहे जाएंगे इन फाइन फीदर। इन फाइन फीदर, इन फाइन फीदर मतलब होता है कि बहुत डैसिंग क्लॉथिंग है, तो उसको कहेंगे इन फाइन फीदर। अच्छा सोल्जर शोल्डर टू शोल्डर क्या मतलब क्या होता है, शोल्डर टू शोल्डर मतलब होता है जैसे कहते हैं बच्चे अब जवान हो गए तो अब वो अपने पिताजी से कंधा मिला के चल सकते हैं, ठीक है। कंधे से कंधा मिला के चलने मतलब हर काम में अब वो उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे यू आर मेकिंग शोल्डर टू शोल्डर, यानी यू आर हेल्पिंग योर फादर शोल्डर टू शोल्डर, यानी अपने पिताजी के हर एक मतलब काम में आप अगर हाथ बटा रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा यू आर हेल्पिंग योर फादर शोल्डर टू शोल्डर, यानी कि टुगेदर अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको शोल्डर टू शोल्डर कहते हैं या साइड बाई साइड कह सकते हैं। अच्छा कहा गया दैट स्टूडेंट ऑफ योर्स हैज सच साउंड वैल्यूज सीज इंडीड, यानी आपका वो स्टूडेंट निराला है, यही कहना है हमें, आपका वो स्टूडेंट आपकी वो स्टूडेंट निराली है। क्यों निराली क्यों हो गया, क्योंकि सी यहाँ पे आया है, यानी वो आपकी वो स्टूडेंट की इतनी सच साउंड वैल्यूज मतलब होता है आवाज़ में बहुत दम होना या किसी चीज़ पर्टिकुलर को लेके बहुत अच्छा होना, मतलब गुड साउंड वैल्यू मतलब होता है कि आप की आवाज़ या तो बहुत अच्छी हो या तो फिर इसका ये भी मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत अच्छे हों, एक्सीलेंट हो किसी चीज़ में, तो उसको कहेंगे सच साउंड वैल्यूज। या आवाज़ में अगर आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है तो रेयर बर्ड मतलब होता है बहुत कम रेयरली कोई चीज़ मिले तो उसको कहते हैं रेयर बर्ड। रेयर बर्ड मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत रेयरली, तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे सीज इंडीड अ रेयर बर्ड, यानी कि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, रेयर बर्ड एक्सीलेंट लोग बहुत कम मिलते हैं। बैरल ऑफ लाफ्स मतलब होता है कि जोक का पिटारा, यानी कि ऐसी हंसी का पात्र, हिंदी में कहें तो हंसी का पात्र होना, यानी कि ऐसी चीज़ जिसपे जो बहुत फनी हो उसको कहते हैं वायरल ऑफ लाफ। पेन इन द नेक मतलब होता है गले में दर्द, ये तो कोई इडियम नहीं है, पेन इन द नेक ये तो खत्म हो गया। पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक इसका मतलब क्या होता है, देखिए पॉट मतलब होता है बर्तन, कॉलिंग द केटल ब्लैक मतलब केतली को काला कह रहा है, बर्तन खुद भी काला होता है और केतली को काला कह रहा है, मतलब कोई व्यक्ति ऐसी बातें दूसरों को कह रहा है जो उसके अंदर खुद हैं। जैसे मैं अगर किसी व्यक्ति को बोलूं कि आपकी अंग्रेजी इंग्लिश एक्सेंट गंदा है तो इसका मतलब हो गया आई एम बिहेविंग लाइक पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, यानी कि मेरे अंदर जो कमी है वो मैं दूसरे में ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, दूसरे को कह रहा हूँ कि आप में भी यही कमी है, ठीक है, तो उसको कहेंगे पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, यानी कि बर्तन केतली को काला कह रहा है, कहते नहीं है। और हमारे अवधि में एक कहावत है कि सूप बोले चल नहीं बोले, तो ये आप जो मतलब यूपी से होंगे उनको पता होगा, सूप बोले चल नहीं बोले। सूप में सिंगल होता है सूप जिससे चावल वावल निकालते हैं, और वो चलनी होती है जिसमें जिससे आटा चालते हैं, ऐसे ऐसे करके होता है, बहुत सारे छेद होते हैं, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये तो मजाक के लिए बोल दिया, लेकिन हिंदी में मतलब यही निकल रहा है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपने वीडियो पूरी देख ली, पसंद भी आई है, तो वीडियो को लाइक कर देना, इतना सा कर देना, और अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज मिलती रहेगी आपको, और हर शिफ्ट की एनालिसिस भी मिलती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय।